हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह आपको बताना है 1.22 से 1.25 मीटर होती है या फिर 1 से 2 मीटर। सी ऑप्शन है 1.5 से 2 मीटर या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोग का UPTGT का एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट होंगे, आंसर्स पता होंगे। तो आगामी एग्जाम जो होंगे, जो LT ग्रेड और केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड जो एग्जाम्स होने हैं, जो भी वैकेंसीज आनी है, उसके लिए आप लोग को अभी से प्रिपरेशन करनी होगी, जिसके लिए आपके स्क्रीन पर 20 क्वेश्चंस का सेट। इसमें से आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस तैयार हैं, तो इनको आप लगातार अगर पढ़ते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार होते रहेंगे, इनका रिवीजन भी होता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा 1.22 से 1.25 मीटर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लॉन्ग जंप में रनवे की लंबाई होती है, तो लॉन्ग जंप में बताना है कि जो रनवे होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। 40 से 60 मीटर होती है, 50 से 60 मीटर, 60 से 70 मीटर या फिर डी ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर 40 से 45 मीटर। राइट आंसर कौन सा होगा बता दीजिएगा सही उत्तर। और क्वेश्चन इसी तरीके के एग्जाम में आते हैं, थोड़े से क्वेश्चन जो होंगे 30 से 35 40 क्वेश्चन हर एग्जाम में, उनका पैटर्न चेंज किया जाता है, पूछने का तरीका चेंज किया जाता है। तो बताइएगा सेकंड नंबर सही आंसर जो होगा 40 to 45 मीटर, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार जो आपका LT ग्रेड का एग्जाम होगा, वहां पे 30 नंबर में GS GK करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, जिसके लिए आप लोग को उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा, वहां पे बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कब से बैच शुरू होगा, कब से कब तक के बैच की वैलिडिटी रहेगी, किस तरीके से टेस्ट वहां पे कराया जाएगा। तो 3 नंबर का जो सही आंसर होता है सी ऑप्शन, ट्रिपल जंप यानी तिहरी कूद हो जाता है, सी उत्तर राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तिहरी कूद में महिलाओं के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र पर लगाया जाता है से कितनी दूरी पर लगाया जाता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ बताइएगा 10 मीटर, 12 मीटर, 11 मीटर या फिर 15 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका होना चाहिए, किसी से गलत नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 18 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए 20 में से, क्योंकि अभी आपको 7 से 8 दिन ही हुए हैं जो TGT का एग्जाम दिए हुए, तो आंसर्स आपके माइंड में होंगे और PGT के स्टूडेंट्स तो कंटिन्यूटी बनाए हुए होंगे। तो राइट आंसर 4th का जो हो जाता है 11th मीटर, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिसिन इंडिकेटर, बोर्ड का स्लोप कितने कोण पर होता है, जो इसका स्लोप होता है वह कितने कोण पर होता है, क्या 45 डिग्री पर होगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है 80 डिग्री। राइट आंसर कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर आपका सही होना चाहिए इसमें भी। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है, 30 डिग्री सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हवा का कितना वेग होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाता है, तो कितना होने पर वेग रिकॉर्ड नहीं माना जाता है, तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा या फिर 6 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा या फिर एक डी ऑप्शन भी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा यहां पे LT ग्रेड का फर्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पर है,
20 क्वेश्चंस हैं, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर के साथ में आप लोग रिलेट कर रहे हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलटी ग्रेड में ध्यान रखिएगा 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे फिजिकल एजुकेशन के, जिसमें माइनस मार्किंग भी होनी है, और 30 क्वेश्चन आपके होंगे जीएसजी के करंट अफेयर्स के। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तब क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग भी आयोग के द्वारा किया जा सकता है। बाकी अभी तक का जो एग्जाम एक ही कंडक्ट कराया गया है आयोग के द्वारा, जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो उसके द्वारा, तो वहां पे 150 में से आपके 40% मार्क्स आना अनिवार्य है, यानी 60 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप आगे की जब मेरिट में आएंगे तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, क्योंकि केवल एग्जाम क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। जब आप उस मेरिट लिस्ट में आएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर बाय द वे आपके मार्क्स कम है और मेरिट थोड़ा कट ऑफ हाई जाता, तो वेटिंग लिस्ट में चांस उन्हीं को मिलता है जिनके नंबर्स जो होते हैं 60 के ऊपर, यानी 40% के ऊपर होते हैं। जो उसके नीचे होते हैं उनको फेल माना जाता है, वहां से उनका कोई सिलेक्शन से लेना देना तब नहीं रह जाता। तो ध्यान रखिएगा, माइंड में आना चाहिए आपके 150 में 60 प्लस के नंबर आपको 100% लाना है पास होने के लिए, उसके बाद आपकी मेरिट निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, कौन सा उत्तर होना चाहिए जल्दी से बताइए, क्योंकि जो न्यूज आपको देनी थी वो आपको हम बताते चलेंगे। सी ऑप्शन 100-200 मीटर, 100-110 मीटर, यानी सी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? तो ये लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है, 4.5 मीटर होती है, 5 मीटर होती, या फिर आपका डी ऑप्शन है 6 मीटर होती है। सही आंसर कौन सा उत्तर होगा? राइट आंसर आप लोग तुरंत अटेम्प्ट करिएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बी ऑप्शन से रिलेट करेगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? तो पोल वॉल्ट में आपको बताना है कि क्रॉस बार का वजन कितना होता है। 4 किलोग्राम होता है, 3 किलोग्राम होता है, 2 किलोग्राम होता है, या फिर 2.25 किलोग्राम होता है। बताइएगा पोल वॉल्ट में जो क्रॉस बार का वजन है यह कितना है? तो सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन आपका एक नंबर कंफर्म करेगा एलटी ग्रेड में, गलत होने पे आपका माइनस मार्किंग भी निर्धारित, तो माइनस मार्किंग भी होगी। तो सही आंसर आप लोगों का होगा 2.25 kg, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, IAAF द्वारा रिकॉर्ड के लिए एकल स्पर्धा में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिएगा, खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी, आंसर आप लोग टिक करिएगा। राइट आंसर यहां पे जो हो जाएगा आपका 3 के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th नंबर है, IAAF द्वारा रिकॉर्ड के लिए टीम स्पर्धा में कम से कम कितनी टीमें होनी चाहिए? कितनी टीमें होनी चाहिए? 1 टीम होनी चाहिए, 2 टीम होनी चाहिए, 3 या फिर 4 टीम? बताइएगा सही आंसर क्या होता है यहां पे। बिल्कुल सही आंसर आपका आना चाहिए, तो बी ऑप्शन होगा या फिर सी उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर जो रिलेट करता है आपका बी ऑप्शन होगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। और जितनी मेहनत आप लोगों ने TGT के लिए की थी उससे 2 से 3 गुना ज्यादा मेहनत आपको एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पर ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अब ये नहीं होता है कि 60 नंबर आप पासिंग मार्क ले आए तो आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए आपको 150 यानी 150 में से 110 प्लस हर हाल में लाने ही होंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 बताइए सही आंसर क्या होगा। भारत ने लगातार हॉकी में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं लगातार हॉकी में, तो यहां पे 8 ना लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो दूसरी तरीके से था, यहां पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो सही आंसर हो जाएगा सी के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? यह किस खेल से रिलेट करता है? हॉकी से रिलेट करता है, फुटबॉल से रिलेट करता है, क्रिकेट, या फिर डी ऑप्शन है बास्केटबॉल? बताइएगा। अजलान शाह कप की बात की जा रही है। क्वेश्चन इस बार कई पूछे गए थे इस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी मान के हर कोई छोड़ देता था, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत से बच्चों के गलत भी हुए हैं, तो अब आप हर तरीके के क्वेश्चंस पढ़िएगा जिससे आपके एग्जाम में गलत न होने पाए। 13th नंबर सही आंसर होगा। अजलान शाह कप की बात की गई, हॉकी से रिलेट करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हॉकी मैच में रेफरी की संख्या कितनी होती है? तो यहां पे आप बताइएगा रेफरी की संख्या किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, ए बी सी या फिर आपका डी उत्तर है 4, यानी 1, 2, 3 या फिर 4, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14th का राइट आंसर जो हो जाता है आपका बी उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हॉकी में शूटिंग सर्किल का आकार, जो शूटिंग सर्किल होता है उसका आकार होता है किस आकार में, यू डी ओ या फिर सी आकार का? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कई बार प्रैक्टिस सेट्स में भी सॉल्व किए थे, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्राउच स्टार्ट लेते समय धावक के हाथ जमीन पर कहां होने चाहिए? तो ये कहां होने चाहिए, स्टार्टिंग ब्लॉक पर होने चाहिए, लाइन के ऊपर होने चाहिए, लाइन से आगे होने चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है लाइन से पीछे होने चाहिए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16th। क्राउच स्टार्ट लेते समय धावक के हाथ जमीन पर कहां होने चाहिए? उत्तर आपका होगा डी ऑप्शन, क्या बिल्कुल सही है, लाइन से पीछे, यानी डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टिपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितना पीछे रहती है? 70 मीटर, 72 मीटर, 64 मीटर या फिर 78 मीटर? और जीएस यानी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसका कल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया गया, उन क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा। देखने के बाद आप लोग अपना अंदाजा लगाइएगा कि किस लेवल से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं तो उनका जो पूछने का जो पेपर का स्तर होता है थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होता है। आपको लगा कि एलटी ग्रेड का दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको अंदाजा होगा कि 30 प्रश्न आपके आते हैं तो कितने क्वेश्चंस आप लोग राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, सही आंसर बताना है आप सभी को, 72 मीटर से रिलेट करेगा क्या? जी हां, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टिपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो एक लैप कितने मीटर का होगा? तो एक लैप कितने मीटर का होगा, 400 मीटर का होगा, 390 मीटर का होगा, 410 मीटर का होगा, या फिर 420 मीटर का होगा, बताइएगा। वन क्वेश्चन वन मार्क्स नंबर है आपका 18th, तो सही कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा 390 मीटर, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 मीटर, 110 मीटर तथा 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं का भार कितना होना चाहिए? 20 किलोग्राम होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए, 10 किलोग्राम या फिर 44 किलोग्राम,
बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर से आप लोग रिलेट कर रहे हैं, 10 kg सी ऑप्शन सही होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्थलान कितने दिन की प्रतियोगिता होती है? तो ये कितने दिनों की प्रतियोगिता होती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, सभी का सही होगा सी ऑप्शन, 2 दिन की प्रतियोगिता होती है। तो ये थे 20 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। आप वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखिएगा और साथ में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर LT ग्रेड में आप उनका सब्जेक्ट चेंज है लेकिन सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भी लिंक शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है कॉन्टैक्ट करके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है उपरोक्त नंबर पर, व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टैक्ट करिएगा 9621819209 पर। यहाँ पे आपको बैचेस के बारे में बता दिया जाएगा और कब से कब तक बैच चलेगा, किस तरीके से क्या सिस्टम रहेगा, सब वहाँ पे जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अब आप लोग फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ में GS भी पढ़ते रहिएगा और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स डेली का डेली अभी से तैयार करते चलिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स में आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी से आप लोग करंट अफेयर्स का एक चैनल पकड़िएगा, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स से रिलेटेड चैनल है। अगर आपको जानकारी चाहिए होगी कि हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, एक पर्टिकुलर चैनल आप देखिएगा करंट अफेयर्स के लिए, वहाँ से पढ़िएगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी क्योंकि करंट अफेयर्स से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन 30 में से पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन आपके जब पढ़े हुए मिल जाएंगे तो ये आपके सॉलिड क्वेश्चन होंगे, गलत नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।